हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आपने जैसे जान रहा होगा कि आप लोगों का एग्जाम आने वाला है, उसी के रिलेटेड हम आज फार्माकोग्नोसी का कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे उसके बारे में, कैसे लिखना है, कैसे करना है एग्जाम में। ठीक है, जो मेरे चैनल में नए हैं प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट हाउ इज माय वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लाना है, क्या करना है, आप उसी का अपना अपना मत दे सकते हैं। हो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, जैसे कि हम बताए, हम आज फार्माकोग्नोसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर शेयर करने वाले हैं आपके साथ। ठीक है, आपका झारखंड बोर्ड ऑफ फार्मेसी जो है उसी का बोर्ड क्वेश्चन में 2018 में ये क्वेश्चन आया था। ऐसे ही क्वेश्चन आता है आपका, डिफाइन द टर्म फार्माकोग्नोसी एंड डिस्कस द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी एंड इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये आपका 8 नंबर का क्वेश्चन आया था। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन को डिवाइड करना है। ये आपका 3 टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन को मिला के आपका ये क्वेश्चन हुआ है। डिफाइन द टर्म फार्माकोग्नोसी आपका पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन आपका हुआ डिस्कस द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी का स्कोप को डिस्कस करिए, क्या क्या स्कोप है फार्माकोग्नोसी में। और तीसरा क्वेश्चन क्या हुआ, इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, हम अभी क्वेश्चन तो आप सब जान गए, कैसे आप आंसर लिखेंगे इसका। ठीक है, कैसे आंसर लिखेंगे, फर्स्ट आपको फर्स्ट आपका हुआ है डिफाइन द टर्म फार्माकोग्नोसी। आपको पहले फार्माकोग्नोसी का डेफिनेशन अच्छे से लिखना है। कैसे लिखना है, ऐसे आपका कितना नंबर है, 1 नंबर ए, आपको ऐसे आंसर करके 1 नंबर ए लिखना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करना है। पहले नंबरिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एग्जाम। कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, नंबरिंग को ध्यान में रखिए पहले। ठीक है, उसके बाद आपका शुरू करते हैं कैसे लिखेंगे। फार्माकोग्नोसी इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक एंड सिस्टमिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ क्रूड ड्रग्स, एलोंग विद देयर हिस्ट्री, मेथड ऑफ कल्टिवेशन, कलेक्शन एंड प्रिपरेशन फॉर द मार्केट। ठीक है, ये हो गया आपका फार्माकोग्नोसी का डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद क्या, सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। आपका फार्माकोग्नोसी में क्या क्या स्कोप है, आपको उसी के ऊपर डिस्कस करना है। ठीक है, फर्स्ट अप क्या स्कोप है, फार्माकोग्नोसी गिव्स ए साउंड नॉलेज ऑफ द वेजिटेबल ड्रग्स अंडर बॉटनी एंड एनिमल ड्रग्स अंडर जूलॉजी। आपका एनिमल ड्रग भी है वो आता है जूलॉजी के अंडर में, वेजिटेबल ड्रग्स है वो आता है आपका बॉटनी के अंडर में। ठीक है, फार्माकोग्नोसी क्या करता है, उसी का आपको नॉलेज देता है बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद इट इंक्लूड्स प्लांट टैक्सोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट जेनेटिक्स। बाय दिस आपका फार्माकोग्नोसी क्या है कि देता है, प्लांट टैक्सोनॉमी के बारे में बताता है,
उसका कैसे ब्रीड होता है उसके बारे में बताता है, पैथोलॉजी के बारे में बताता है, उसमें क्या क्या बीमारी ठीक हो सकता है, क्या हो सकता है उसमें बताता है। प्लांट जेनेटिक्स के बारे में बताता है, जेनेटिकल प्रॉब्लम हो प्लांट कैसे बढ़ेगा क्या करेगा उसके बारे में बताता है, कहाँ पर ग्रोथ करेगा। बाय दिस नॉलेज वन कैन इम्प्रूव द कल्टिवेशन मेथड फॉर बोथ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। ठीक है, इस सब मेथड के थ्रू एक आदमी आपका कल्टिवेट कर सकता है किसको, मेडिसिनल प्लांट को एंड एरोमेटिक प्लांट को। ठीक है, उसके बाद आपका नाउ ए डेज फाइटोकेमिस्ट्री जिसे बोलते हैं हम प्लांट केमिस्ट्री, आज अंडरगोन द सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। प्लांट केमिस्ट्री का बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है फार्माकोग्नोसी के वजह से। ठीक है, दिस इंक्लूड्स ए वेराइटी ऑफ सब्सटेंस दैट आर अकुमुलेटेड बाय प्लांट्स एंड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स। ये क्या इंक्लूड करता है, वेराइटी ऑफ सब्सटेंस, आपका कितना टाइप ऑफ सब्सटेंस क्या है उसको सब इंक्लूड करता है आपका स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी आपका ये सब इंक्लूड करता है। ठीक है, कैसे आप प्लांट, कौन सा मेडिसिन आपका प्लांट से सिंथेसाइज होता है, कैसे सिंथेसाइज होता है, क्या क्या मिलाकर आपका प्लांट में, कौन सा प्लांट में क्या क्या हमें मिल सकता है वो सबको बताता है। उसके बाद इट ऑल्सो गिव्स द नॉलेज अबाउट केमोटैक्सोनॉमी, बायोजेनिक पाथवे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्यूट इंग्रेडिएंट। ठीक है, एक परफेक्ट इंग्रेडिएंट बनाने के लिए हमें क्या क्या केमिकल नीडेड है, क्या क्या उसमें से हमें केमिस्ट्री के कौन सा केमिकल मिल रहा है उस प्लांट से, आपका वो क्या क्या उसका प्रोसेस है, बायोजेनिक प्रोसेस है, वो आपका बॉडी को ठीक कर रहा है उसके बारे में हम जानते हैं। उसके बाद आपका इन सब फार्माकोग्नोसी इज एन इम्पोर्टेंट लिंक बिटवीन फार्मास्यूटिकल्स एंड बेसिक साइंस। आपका जो साइंस है उसमें एक लिंक बनाया हुआ है किसका किसका, फार्मास्यूटिकल्स एंड बेसिक साइंस का, फार्माकोग्नोसी ये दोनों का लिंक बनाया गया है, एज वेल आयुर्वेदिक एंड एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में भी फार्माकोग्नोसी लिंक बनाया हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन डेफिनेशन था, सेकंड क्वेश्चन स्कोप था। ये हो गया फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद आपका थर्ड में क्या है, इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, अभी उसके बारे में जानेंगे। इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है, इट इज द नेचुरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन आउटसाइड द स्ट्रीम ऑफ वेस्टर्न एंड एलोपैथिक मेडिसिन। इंडिजिनियस मेडिसिन सिस्टम क्या है, जो आपका वेस्टर्न सिस्टम और एलोपैथिक सिस्टम को छोड़ के जो इंडियन सिस्टम है उसे बोलते हैं हम इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं, द सिस्टम्स आर आयुर्वेदा, सिद्ध एंड यूनानी एंड योगा। ठीक है, ये चारों सिस्टम इंडिजिनियस सिस्टम में आते हैं। ठीक है, अभी हम जानेंगे आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, इट इज द एंशियंट साइंस which deals with both improve both preventive and curative aspect of life। ये improve, ये आपका ancient science है, बहुत पुराना science है जो आपका
प्रिवेंट करता है एंड क्योर करता है। कैसे क्योर एंड प्रिवेंट करता है? बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉजिटिव हेल्थ एंड थेरापूटिक मेजर्स एमर इन दिस सिस्टम। ठीक है, आपको ये आपका पॉजिटिव हेल्थ देता है, पॉजिटिव माइंड सेटअप करता है, उसके बाद थेरापूटिक कुछ कुछ थेरापूटिक मेडिसिन भी देते हैं। ठीक है, इस सिस्टम में आपको बाय आपका और आपका रिलैक्स टू द मेंटल फिजिकल एंड स्पिरिचुअल वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये आपका क्या क्या करते हैं इन दिस सिस्टम, वी रिलैक्स मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल वेलफेयर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। आपका मेंटली आपको क्योर करते हैं, मतलब आप ज़्यादा परेशान रहते हैं, कुछ डिप्रेशन में रहते हैं तो आपको हेल्प करते हैं। उसके बाद फिजिकल हो गया, आपका कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, थकान लग रहा है आपको कि कोई टूट फूट गया है, उसके बारे में भी वो हेल्प करते हैं। उसके बाद सोशल मतलब आपको सबके साथ मिलाते जुलाते हैं, स्पिरिचुअल मतलब आपको आध्यात्मिक लाइन में कैसे जाना है उसके बारे में बताते हैं। ये हो गया आपका आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। उसके बाद आपका आता है सिद्ध सिस्टम ऑफ मेडिसिन। द टर्म सिद्ध मीन्स अचीवमेंट, जो अचीव किया गया, जो अचीवमेंट मतलब हमें जो मिलने वाला है, मिल गया है, हम जो पा लिए हैं। सिद्धर्स वर द सेंटली प्रोफेशनल्स, वो क्या होते हैं, जो साधु संत होते हैं वो उनको बोलते हैं सिद्धर्स। ठीक है, वो क्या करते हैं, अपना योगा भक्ति से वो अपने को प्रोफिशियंस हो गए हैं मेडिसिन देने में। ठीक है, आपका भक्ति यानी योगा में कोई को, जो साधु संत लोग रहते हैं वो भक्ति एंड योगा से आपको क्योर भी करते हैं। ठीक है, वो होता है आपका सिद्ध सिस्टम ऑफ मेडिसिन। उसके बाद आपका आ गया यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्या जानेंगे, यूनानी मेडिसिन इज ए अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन दैट ओरिजिनेट इन एंशियंट ग्रीस। ग्रीस में ये पहले मिला था, ग्रीस से ही शुरू हुआ था, बट इज नाउ प्रैक्टिस प्राइमरली इन इंडिया। इंडिया में भी ये अभी चल रहा है। ये क्या क्या इन्वॉल्व करता है, इन्वॉल्व द यूज ऑफ हर्बल रेमेडीज, डाइटरी प्रैक्टिस एंड अल्टरनेटिव थेरापीज। आपका हर्बल रेमेडीज हो गया, जैसे कि आपका कौन सा पेड़ का पत्ता खाओ, तुलसी का पत्ता खाओ, आपको एलोवेरा स्किन में यूज करो, वही सब हो गया हर्बल रेमेडीज। उसके बाद डाइटरी प्रैक्टिस में कितना खाना है, क्या खाना है, कितना स्वास्थ्य खाना है, कि आपको नॉन वेज खाना है, उसका क्या साइड इफेक्ट है, कितने आप परेशान हो सकते हैं उसमें से, कितना आपको फायदा मिल सकता है, ये हो गया आपका डाइटरी प्रैक्टिस। उसके बाद अल्टरनेटिव थेरेपी मतलब आपको उन लोगों का यूनानी सिस्टम में मानना है कि आपका शरीर जो पंचभूत में गठित हुआ है, ठीक है, अग्नि वायु जल धरती, ठीक है, और सूर्य, ये सब जो पंचभूत है उनको वो उनके बदौलत वो आपको हेल्प करने में लगते हैं। जैसे कि आपको कोई बीमारी हो तो आपको वो मिट्टी लगा कर हेल्प करते हैं, कभी उसको आपको बोलते हैं आपका पंचेंद्रियों को जागृत करिए, ठीक है, आपको ध्यान लगाने के लिए बोलते हैं, हवा हवा में भी आपको अच्छा करते हैं, सूरज की किरण में अच्छा करते हैं। ये हो गया आपका यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया योगा। योगा तो सब कोई जानते होंगे, उसके बाद आ गया आपका योगा।
योगा तो आपको सबको ही जानते होंगे, इट इज ए हीलिंग सिस्टम ऑफ थियोरी एंड प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना जानोगे, वही है आपका योगा सिस्टम। इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रीथिंग, आपका श्वास लेने का और छोड़ने का कॉम्बिनेशन में, एंड आपका एक्सरसाइज, कैसे एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल पोस्चर, कैसे आप अपना एक्सरसाइज में किसी का कैसा फिजिकल पोस्चर है आपका, उसके बाद मेडिटेशन प्रैक्टिस, आपका कैसे मेडिटेशन, कैसे आप कैसे कैसे मेडिटेशन, कितना समय तक मेडिटेशन कर सकते हैं, उसके चलते हुए आपका ये सिस्टम हो गया योगा सिस्टम। ये आपका 5,000 सालों से चल रहा है, प्रैक्टिस ओवर 5,000, 5,000 ईयर, आपका 5,000 सालों से ये योगा सिस्टम ऑफ मेडिसिन चल रहा है। ये हो गया आपका वन एक क्वेश्चन का आंसर, ठीक है? ठीक है, हम अभी वन ए क्वेश्चन आंसर जान लिए, अभी जानेंगे वन बी का आंसर। डिस्क्राइब एनी टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स फॉर नेचुरल ऑरिजिन। सेकंड नंबर क्या था? डिस्क्राइब एनी टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम नेचुरल ऑरिजिन, ठीक है? आपका नेचुरल ऑरिजिन में जो ड्रग क्लासिफाई क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग हुआ है, उसको कोई भी दो सिस्टम लिखिए, ठीक है? ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। आपका जैसे पहले बताया था, आंसर में सही में नंबरिंग करना चाहिए आंसर शीट में। आंसर एक नंबर बी, वन बी, इसे आंसर देना चाहिए। इन फार्माकोग्नो, उसके बारे में कैसे क्या लिखोगे, उसके बारे में बता रहे हैं। इन फार्माकोग्नोसी नेचुरल ड्रग्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोइंग। कितने टाइप में? छह टाइप में क्लासिफाइड किए गए हैं। फर्स्ट हो गया आपका अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन एंड केमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ये हो गया आपका छह टाइप का क्लासिफिकेशन। हमें क्वेश्चन में क्या क्या आ गया है? एनी, क्वेश्चन में क्या क्या आ गया? एनी टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है? ये क्लासिफिकेशन के बारे में मैं पहले क्वेश्चन में पहले डिस्कशन कर लिया हूँ मेरे चैनल में। मैं उसका लिंक दे देता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा, ठीक है? आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी कोई डाउट है, कुछ है, तो मेरा टेलीग्राम एक ग्रुप बनाया है, उसी का लिंक दे रहा हूँ नीचे। कोई भी उसी यही जो क्वेश्चन आंसर है, आपको नोट्स वही टेलीग्राम में मिल जाएंगे, ठीक है? प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है? ऐसे ही हर रोज़ आपके लिए नए नए क्वेश्चन आंसर्स आपका डिस्कशन करते रहेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे होम एंड फाइट विथ कोरोना ब्रेवली, ठीक है? चलते हैं, मिलते हैं, बाय बाय, एंड प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।